फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन कोफ्ता करी। फ्रेंड फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी नई नई रेसिपी मिलती रहे। फ्रेंड का खीमा लिया है मैंने 300 ग्राम, वो हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। ये मैंने ब्राउन ऑनियन लिए है वो हम ऐड करेंगे। थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है वो हम डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है वो हम 1 चम्मच डालेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट लिया है मैंने वो हम ऐड करेंगे। ये मैंने ब्रेड क्रम लिया है वो हम डालेंगे। थोड़ा सा बेसन डालेंगे ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। फ्रेंड अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड हम इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है। फ्रेंड अब हम बॉल बना लेंगे मीडियम। हमें मीडियम बॉल बनाना है, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। वैसे हम सब बना देंगे। फ्रेंड दोस्तों हमारे कोफ्ते बन के रेडी है, पर इसको हमें 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। चलिए दोस्तों हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ये मैंने ब्राउन ऑनियन लिए है वो हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसमें हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। ये मैंने फ्रेश मिंट लिया है वो भी हम डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, तो पानी डालेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड हम तो लीजिए दोस्तों ये पेस्ट हमारे बन के रेडी है। तो दोस्तों 15 मिनट के बाद मैंने कोफ्ते को बाहर निकाल लिया है। तो चलिए हम कोफ्ते को फ्राई करते हैं। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है, हम एक एक करके डालेंगे। कोफ्ते को हमें हाफ कुक करना है फ्रेंड, मीडियम गैस पे हाफ फ्राई किया है फ्रेंड। बाकी के हाफ ग्रेवी में जाके पकेंगे। फ्रेंड दोस्तों मैंने कड़े लिए, तो चलिए हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे, ये वही तेल है कि जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। दोस्तों मैंने खड़े मसाले लिए हैं वो हम डाल देंगे। ये पेस्ट को हम ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा था। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है वो भी हम ले लेंगे ताकि हमारा पेस्ट वेस्ट ना हो। फ्रेंड हमें सब ले लेना है अंदर। थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। ये धनिया जीरा पाउडर लिया है वो हम डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। ग्रेवी ठीक करने के लिए मैंने काजू का पेस्ट लिया है वो हम ऐड करेंगे। ये डालना ऑप्शन है, मेरे पास है तो जरूर डालें। फ्रेंड इसका टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, फिर कटी हुई ग्रीन चिली डाल देंगे हम। ये मैंने फ्रेश दही लिया है, हमें दही खट्टा नहीं लेना है फ्रेंड, फ्रेश ही लेना है वो हम डाल देंगे। मैंने आधी कटोरी डाला है दही को, हमें अच्छे से पकाना है। तो चलिए हम ग्रेवी को थोड़ी देर कवर करके पका लेते हैं। तो दोस्तों हमारी ग्रेवी पक चुकी है, तो चलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से। ठीक रखना है, पतला रखना है तो आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। फ्रेंड तो ये ग्रेवी में हम कोफ्ते ऐड करेंगे। तो इसे हम थोड़ी देर पका लेते हैं। हमें मीडियम टू लो गैस पे पकाना है। फ्रेंड तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे मटन कोफ्ता करी सर्व करने के लिए रेडी है। हम लास्ट में फिनिश करेंगे मटन मसाला से। ये मैंने मटन मसाला लिया है वो हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए अंदर। थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे। तो दोस्तों आप ग्रेवी की थिकनेस तो देख ही सकते हैं, मैंने लटपटा बनाया है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा ठीक। ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया है उसे हम गार्निश करेंगे। ये डालना ऑप्शनल है फ्रेंड, ताकि दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए। फ्रेंड खाने में तो अच्छा बना ही है पर दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए।
तो फ्रेंड आपको ये मटन कोफ्ता करी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले फ्रेंड। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।